गाइस अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो मैं काफ़ी टाइम के बाद, मतलब ईद के बाद एक शायद से एक व्लॉग मैंने अपलोड किया था, उसके बाद से मैंने कोई भी व्लॉग अपना अपलोड नहीं किया था। उसका कारण बहुत ही ज़्यादा बुरा है। मतलब अम्मी की भी तबीयत ख़राब हो गई थी, तो बहुत लंबा प्रोसेसर है। फिर अम्मी की तबीयत ख़राब हो गया तो हॉस्पिटल में एडमिट हुई, तो उसके भी मैंने एक दो शॉर्ट वीडियो डाली थी, जिसकी वजह से मैं कोई ब्लॉग बना नहीं पा रही थी और ना ही मेरा दिल कर रहा था ब्लॉग बनाने का। एंड देन मैंने सोचा जब सब कुछ अच्छा हो जाएगा और सब कुछ अच्छे से मेंटेन हो जाएगा घर के अंदर, तभी मैं अपने ब्लॉग अपलोड करूँगी। तो मैंने अभी आज सोचा कि ब्लॉगिंग स्टार्ट करते हैं, जो अपनी छोटी मोटी ब्लॉगिंग करते थे वो वापस स्टार्ट करते हैं। और आज मैंने अपनी ब्लॉगिंग स्टार्ट की है, तो थोड़ा बहुत शूट करते हैं और क्या शूट करेंगे जो भी होगा आपके साथ मैं बिल्कुल शेयर करूँगी। तो बस ऐसे ही आप मेरे ब्लॉग के साथ बने रहना, जैसे आपने मेरे ब्लॉगों को पहले प्यार दिया ऐसे अभी प्यार देते रहना। तो बस अभी देखते हैं आगे क्या करना है, तो जब तक के लिए आप करिए थोड़ा सा वेट। अभी मैंने खाना भी नहीं खाया है और ये देखिए यहाँ पर सब कुछ ख़त्म हो चुका है ऑलमोस्ट। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। देन यहाँ पे क्या बनाया था, ओ हो ये घिया बचा है मेरे लिए, तो हम घिया ही खा लेते हैं। ये हमारा नया चूल्हा भी मैंने आपको शायद नहीं दिखाया, तो आप अभी देख लीजिए। ये हमारा नया चूल्हा है, हमने नया चूल्हा मंगाया था चार चूल्हे वाला, तो अभी इसको मंगाए हुए 8 दिन हो गए हैं। और अभी हमारे लिए खाना तो ख़त्म हो गया, तो हम ये घिया गर्म करेंगे। रोटी देखते हैं रोटी है या नहीं। चलो रोटी तो है कम से कम, तो रोटी तो इसमें है। हम अपना सालन गरम कर लेते हैं और सालन ये है घिया, तो घिया खाएंगे अभी हम गर्म करके। तब तक के लिए आपका भी थोड़ा सा होगा। सो ये मैंने अपने लिए खाना भी गर्म कर लिया है और ये देखिए हम खा लेते हैं अपना खाना और उसके बाद आपसे करेंगे मतलब अपने ब्लॉग को कंटिन्यू। आज काफ़ी टाइम बाद मैंने ब्लॉग बनाया था, तो थोड़ा मतलब बैलेंस बिगड़ जाता है। अभी डनी तो खाना खा लेते हैं और उसके बाद फिर आपसे करते हैं बात। सो गाइस अभी जो है ना खाना बना के भी हम फ्री हो चुके हैं, तो मैं सोची एक छोटा सा मजाक करते हैं। तो ये है रूह अफ़ज़ा, ठीक है। अब मैं रूह अफ़ज़ा की जगह ये मैं एक बोतल लेके आई हूँ कोल्ड ड्रिंक स्टिंग। तो अभी हम पता है क्या करते हैं, हम करेंगे स्टिंग को ग्लास के वो कप के अंदर, और मैं घर वालों से बोलूँगी मैं आपके लिए रूह अफ़ज़ा बना के लाई हूँ, तो वो टेस्ट करेंगे, तो उनका रिएक्शन देखेंगे। थोड़ा सा हंसी मजाक चलता है, तो सबकी एनर्जी भी डाउन हो रही है, तो थोड़ा थोड़ा पिला के उनको एनर्जी भी कर देते, थोड़ी अच्छी वाली फास्ट एनर्जी। तो ये मैंने ले लिए हैं कप, वैसे तो ये चाय के कप है, कोई बात नहीं, हमें मजाक करना, हम चाय के कप में ही कर लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ से लेते हैं एक प्लेट, एक यहाँ रखते हैं, एक यहाँ रखते हैं और एक यहाँ रखते हैं, ठीक है। तो मैंने ये करें 3 गिलास, मैं एक गुड़िया को दूँगी, एक मेरे भाई को दूँगी और एक जो भी लेना चाहेगा वो ले लेगा, और मैं थोड़ा सा इस कुक में से बचा हुआ पी लेंगे। तो ये है रूह अफ़ज़ा और ये है स्टिंग। ये हमने खोल ली स्टिंग और ये कर देते हैं इसको ग्लास में। सो ये हमने बना लिया रूह अफ़ज़ा और अब लेके चलते हैं घर में अंदर रूम के अंदर। सो ये रूह अफ़ज़ा हमारा रेडी है, देखते हैं अब घर वाले पीते ही नहीं पीते। मैं रूह अफ़ज़ा बना के लाई हूँ तुम सबके लिए। A few moments later, गुड़िया रूह अफ़ज़ा। चलिए शुरू करते हैं। अरे रूह अफ़ज़ा है, ले नहीं रूह अफ़ज़ा है, ले जल्दी रूह अफ़ज़ा पियो, पी के बताओ जल्दी बता पी के। ये ले से ले भी गिलास, वो आप जा क्या है, आप लोगों ने घर वालों का रिएक्शन देख लिया, क्योंकि हमारे घर वाले भी प्रैंक से वाकिफ नहीं है, तो इन्होंने रिएक्शन भी थोड़ा लो वाला दिया है। मैंने इनको एनर्जी पिला दी है, तो इनमें एनर्जी आ जाएगी। तो बस ये छोटा सा मजाक मैंने अपने व्लॉग में फर्स्ट टाइम किया है, तो चलो अब मैं भी इसे पी लेती हूँ। गाइज अब हो गई है रात, तो अभी मैं जो भी मैंने सुबह से स्टार्टिंग की थी अपने व्लॉग की, तो मैंने सोचा था जो भी मेरे से शूट हो पाया, क्योंकि बहुत दिनों के बाद मैं शूट कर रही थी
और अब रात हो चुकी है, मेरा दूध भी बॉयल हो रहा है और ये आ गया है ऊपर तक, क्योंकि मैं वीडियो बनाने के चक्कर में रह गई थी। ये देखिए बस वो तो इसके ऊपर छन्नी थी तो ये उबलने से बच गया, अगर ये उबल जाता तो मुझे पड़ जाती घर पर डांट। एंड देन ये अभी थोड़ा सा इसको कड़ा लेते हैं, उसके बाद हम इसको बंद कर देंगे और हम अपने ब्लॉग का भी एंड कर देते हैं यहीं से ही, क्योंकि आज जो भी शूट हो पाया, जितना भी शूट हो पाया, क्योंकि काफ़ी दिनों बाद मैंने शूट किया था ना, तो इसलिए मैंने थोड़ा बहुत ही शूट किया है। तो अभी इस ब्लॉग को हम कर देते हैं थोड़ा अपलोड और आउट कर देते हैं इसको। प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना, प्लीज़ 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 प्लीज़।